हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल। और जैसे कि मैंने लास्ट कुछ ही वीडियो में कही थी कि फेस्टिव आ चुके हैं और मैं बहुत सारे फेस्टिव्स के एथनिक वेयर ऑर्डर कर चुकी हूँ फ्रॉम मिंत्रा, अजियो, मीशो एंड अमेजोन। तो वन बाय वन डिलीवर होते जाएंगे और मैं आप लोगों से एक एक सूट शेयर करती जाऊंगी। तो उन्हीं में से मेरे पास आज एक सूट ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, बाकी सारे थोड़ा सा डिले होंगे। तो वही वाले सूट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे ये बहुत दिन पहले ही डिलीवर हो चुके थे, बट थोड़ा सा साइज में प्रॉब्लम आया था मेरे। मैंने एक्सेल ऑर्डर कर दिया था बट वो थोड़ा सा लूज फिटिंग हो रहा था, तो मैंने उसको एक्सचेंज करके फिर से एल मंगवा लिया। तो अभी एकदम ही ठीक ठाक है। मैं इसके डिटेल्स बताऊंगी, एकदम फ्रंट से आपको दिखाऊंगी कि मटेरियल कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे है, प्राइस वगैरह एंड ऑल। और उसके बाद मैं इसको वेयर करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फाइनल लुक इसके कैसे आते हैं। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं आज के मिंत्रा के कौन से वाले सूट के बारे में मैं बता रही थी। तो ये है वो पैकेट जिसमें मेरे सूट डिलीवर हुए है सेकेंड टाइम, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो मैंने एक्सचेंज ही कर दिया था। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे मैंने इसको एक बार ओपन करके ना ट्राई भी कर लिया, क्योंकि अगर इस बार भी कोई फिटिंग्स में गड़बड़ हो जाए ना, तो इसलिए मैंने डिस्क नहीं लिया था। तो इसमें है पैंट एंड उसके साथ है कुर्ती, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो ये वाला वेलवेट का है और यहाँ पे जो जरी वाला काम है ना, ये एकदम जयपुरी काम है मल्टी कलर के। तो मैं पहले आपको पैंट दिखाऊंगी। कुछ प्लाजो टाइप का है, कुछ ट्राउजर है। ये पूरे के पूरे प्लाजो नहीं है, बिकॉज प्लाजो जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा लूज फिटिंग्स होते हैं, बट ये लूज फिटिंग्स नहीं है, ये ट्राउजर की तरह है। मैं थोड़ा सा पहले पैंट के बारे में बताऊंगी। ये है फ्रंट पैंट के, आप देख सकते हो कि इस साइड पे इलास्टिक नहीं है। मुझे ये वाले सूट एल फिटिंग्स में आते हैं, तो अगर आप मेरे जैसे हो तो आप डेफिनेटली ये वाले सूट के एल साइज ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज 32। इसके जो पैंट साइज है वो 32 है, आप देख सकते हो। पीछे इसकी इलास्टिक लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ग्लॉसी नहीं है और बहुत ज्यादा मैट भी नहीं है। बहुत अच्छा एक एथनिक लुक आते हैं इसमें, और आप फेस्टिव में हो, पार्टी वेयर हो, वेडिंग वेयर हो, आप इसको कैरी कर सकते हो। और जो बात है ना, ऐसा वाला एक ट्राउजर अगर आपके पास है तो आप कोई भी, अगर कोई भी आपके एथनिक कुर्ती है, कोई भी गाउन है, कोई भी शॉर्ट टॉप है ना, तो आप उसके साथ इजीली ऐसे गोल्डन कलर के पैंट कैरी कर सकते हो। इसके दोनों तरफ ऐसे स्प्लिट है, आप इजीली चल फिर सकते हो इससे। तो मैं तो इसको वेयर करके दिखाऊंगी। पहले इसके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मिंत्रा पे मिलते हैं ब्रांडेड गारमेंट्स और बहुत सारे नॉन ब्रांडेड भी है। इसके ब्रांड है संगरिया। संगरिया के बहुत सारे ऐसे कुर्तीज पे डिस्काउंट चल रहे थे इतने दिन फेस्टिव के वजह से, और मैंने इसीलिए बहुत सारे ले लिए। वैसे इसका जो प्राइस है, मुझे ये 1599 में रिसीव हुआ, जो इसका प्राइस था 2999 थे, तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट में रिसीव हुए हैं। और दो जो मैंने और परचेस किया है उसका रेंज थोड़ा सा हाई है। एक है 3119 रुपीज एंड द सेकेंड वन इज 2999, तो वो भी मुझे ऑफर प्राइस में रिसीव हुआ और वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। एक तो शायद डब्लू से है और दूसरे का ब्रांड मुझे अभी याद नहीं है। मैं जब रिसीव हो जाएंगे मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पहले मैं इसके जो कुर्ती है वो थोड़ा सा फ्रंट से दिखा देती हूँ। इसका फ्रंट कुछ इस तरह से है। इसके जो वेलवेट के क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा है या इसको डालने से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा भी नहीं है। आप ऐसे ऐसे आपको फील होगा कि आपने कॉटन डाले हुए हैं, बट ऊपर का जो मटेरियल है वो वेलवेट का है। ये एकदम मैरून कलर का है, ना ये डार्क ब्राउन है ना मैरून है, ये जो बर्गंडी होता है ना वैसा वाला है। इसके जो कटिंग है ना सामने का, आप देखो नेक पीस जो है इसके, स्टाइलिश है बहुत ज्यादा और पैटर्न बहुत ज्यादा यूनिक है। ये वैसे यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे लूज नहीं है कि आप इसको खोल सकते हो, ये खुलने वाला वैसा वाला नहीं है, बट इसके जो पैटर्न है ना, आपको लगेगा कि ये खोलने वाला है, जैसे रैपर्स वगैरह होते हैं ना वैसे। आप इसको इजीली डाल सकते हो। इसके साइड में कोई भी स्प्लिट नहीं है, ये एकदम राउंड है अनारकली की तरह, बट आपके बॉडी के साथ ना ये फिक्स हो जाते हैं। ऐसे अनारकली की तरह नहीं है कि आपके यहाँ तक इलास्टिक आ गए उसके बाद आपके फ्लर्ट वाला पार्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप कुर्ती की तरह इजीली इसको डाल सकते हो और पैटर्न भी बहुत ज्यादा यूनिक है। तो अभी चलते हैं इसके स्लीव्स पे। मेरे ये 3/4 आते हैं स्लीव्स पे। जो जरी वाला काम है आप देख सकते हो, ये राजस्थानी काम है और जरी का क्वालिटी और इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है जरी का, इसका भी क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई सस्ता सा कोई भी कुर्ती डाल लिया है, ब्रांडेड है, पता चलते है इसके मटेरियल से। सेम टू सेम दूसरे स्लीव्स पे भी ऐसे ही है। और जो दूसरे जगह पे है वो है नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट भी इसी तरह के है और आपको पीछे और सामने दोनों तरफ आपको ऐसे वाले जरी का बॉर्डर मिल जाएंगे और बॉर्डर बहुत ही ज्यादा थिक है। आप देख सकते हो चौड़ाई इसका कितना ज्यादा है। और कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, आप कोई भी ज्वेलरी इसके साथ डाल सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, गोल्डन डालो, कोई भी पिंक सा मीनाकारी झुमका डाल सकते हो, ग्रीन येलो कोई भी झुमका डाल सकते हो इसके साथ। ये जो कुर्ती है ना, टोटली मीनाकारी कुर्ती आप कह सकते हो। तो पूरे के पूरे जो पीस है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको पूरे के पूरे पीस दिखाऊंगी और उसके बाद वेयर करूंगी। यहाँ पे कुछ लटकन सा दिया हुआ है जरी वाला, तो ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। तो मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसके जो पूरे लेंथ है कितने दूर तक मेरे आते हैं। ये पूरे के पूरे इस तरह के हैं, आप देख सकते हो मेरे इतने लेंथ तक आते हैं। और नीचे आपको जो ट्राउजर है वो दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपके फुल लेंथ तक आ जाएंगे, आपके ट्राउजर दिखने वाला है नहीं। और बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टाइल है इसके, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया तो इसीलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। थोड़ा सा अर्लियर ही करना था क्योंकि फेस्टिव है, डिले हो सकते हैं डिलीवरी में या आपके साइजेस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसीलिए टाइम टेकिंग चीजें है, तो इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया ये। तो यही था, अभी मैं इसको डाल के दिखाऊंगी और डालने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आए और मेरे न्यू ड्रेस पसंद आए जो कि मैंने मिंत्रा से परचेस किए हैं। और ये सूट सेट है, आप कुर्ती सेट भी कह सकते हो। तो मुझे ये फेस्टिव में डालना है, आप लोगों से लुक भी शेयर करना है। और ये वाले सूट के बारे में बता देती हूँ, आप लोगों ने तो देख ही लिया जब मैं इसको दिखा रही थी। तो ये है फ्रॉम मीशो और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक मेकअप लुक भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो अगर आपको ये पसंद है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी भी इसके ऊपर ऑफर चल रहे हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो।
तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर देना, और हमारे नए चैनल मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी को भी सब्सक्राइब कर देना, जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड डालते रहते हैं फूड ईटिंग चैलेंज वीडियोस, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।